आपको दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। कई कई कारणों से ऐतिहासिक है इस कार्यक्रम की विशेषता यह है, आमतौर पर कोई कार्यक्रम होगा तो कोई लोकार्पण हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा, एकाध दो चार के सम्मान हो जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में परमात्मा की दया से हमारे आधुनिक समय के अत्याधुनिक साधनों की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति भी हो रही और साथ ही साथ कई सारे लोगों को जीवन का आज के बाद एक नया उनका सवेरा आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का, हमारे मंच पर मौजूद मंत्रीगणों का, एक तरह से हमारा अपना ये लघु कुंभ जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जिनने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन है, आपका भी इस अवसर पर स्वागत है। राजस्व के बहुत सक्रिय मंत्री माननीय करण सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का। हमारे रघुनाथ कंसाना जी, जोरदार रघुराज जी कंसाना, जोरदार अभिनंदन करें कृषि मंत्री का। इस अवसर पर हमारे पशुपालन मंत्री लाखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन लाखन जी का। हमारे एक और मंत्री नरेंद्र जी, जोरदार नरेंद्र पटेल जी का अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे अपने माननीय विधायक, अरे हाँ हमारी बहन जी रह गई, प्रतिभा बागरी जी का जोरदार अभिनंदन। प्रतिभा जी बहुत सक्रिय और जुझारू और युवा मंत्री हमारी। हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, अच्छा कृष्णा भाभी उधर रह गए, ये थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया ये क्रम में। यहाँ की हमारी अपनी लाखों में जीतने वाली, जब विधानसभा आए तो लाखों से जीतती है कृष्णा गौर जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। हमारी अपनी महा और महापौर सहित सारे महापौर सबका अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ बजे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं आज ये लाइन से देख रहा था कि अपने इस मंच के ऊपर जो सौगात मिलेगी, उन सौगातों का क्रम अगर अपन देखें तो जो हमारी अपनी विभिन्न प्रकार की राशियों का अंतरण नगरीय निकाय के माध्यम से होगा वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम लगभग राजस्व विभाग के 4256 राजस्व विभाग से पटवारी पहली बार बन रहा। हाथ खड़े करें कौन कौन पटवारी है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें जो पटवारी आए हैं, जोरदार ताली बजाओ। अपने आप के लिए भी आज के बाद आपके हाथ में ये बड़ा काम दिया है। हम जानते हैं कि आपका संघर्ष बड़ा था और आपका मुकाबला भी तगड़ा था, कई सारे कारणों के बाद भी आपने मजबूती से अपनी एग्जाम दिए, सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र देकर के एक नया विकास का रास्ता खोलने का प्रयास किया है कि हाँ हमारे अपने भाई बहन अगर परीक्षा दिए लेकिन केवल जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर बना के रखना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी किसी धमकी से यह सरकार डरने वाली नहीं है। सरकार होती काय के लिए, गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ हमारी सरकार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कारगर कार्रवाई करने वाली सरकार है, जो लगातार इस बात की चिंता करती है। किसी ऐसे बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ ये तो बड़ी बात है, छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे ड्राइवरी करने वाला एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी, लोगों के हिसाब से हो सकते वो बड़े होंगे, लेकिन ड्राइवर भी हमारे यहाँ किसी के मदद का मोहताज नहीं, वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है, इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना यह हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए, ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार है। मैं इस बात को गौर करता हूं, आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो माइलस्टोन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर से आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी
जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। स्वच्छता से तो जीवन है, उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारे जीवन में क्या होगा। हमने नगरों का क्या हाल बना रखा था पहले, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, आज पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश तो और उससे आगे गया है। पूरे देश में महानगर पालिका में सबसे नंबर वन का तमगा किसी राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। यह हम सबका सौभाग्य है, इंदौर ने वो मुकाम पाया है। और मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ प्रदेश के नाते से पहचाना जाता है। मैं आज के अवसर पर और भी अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग प्रकार की नियुक्तियां हैं, किसान कल्याण करण सिंह जी आपका विभाग की भी नियुक्तियां हैं, लगभग 1253 कंसाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो, 1253 कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना, कृषि विभाग वाले अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा हाँ हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते किसको रोजगार मिला, ये अपने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हाँ हमको रोजगार मिला, हाँ हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहां भी आए और प्रदेश में भी जुड़े, 635 जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करो 512 ये नए बंधु मिले हमसे मिले हैं। आयुष विभाग के 106 आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहां, जरा कौन है ताली बजाओ, 106 लोग हमारे पास आज इस सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरी निकाय, समाज सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, उद्यानिक, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार, अपने स्थान पे खड़े होकर के सबके साथ अपनी सहानुभूति दे, जोरदार तालियां बजाओ अपने स्थान पे खड़े होकर के, आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ हम उनके साथ है, आज के इस समय में किसी को रोजगार मिल जाए इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी मन की भावना है, हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इससे सौभाग्य की बात क्या होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल, ये बड़ा सपना होता था दूसरों का, आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ, जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो जो हमारे काम चलने वाले हैं, आप अंदाज लगा सकते हो 1540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा, आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं जिन्होंने आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर,
इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहाँ? सत्तर पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले? बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है, और आने वाले एक अगले हफ्ते के अंदर 15000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे, तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिला के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी? अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर लो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो, और 500 साल का संघर्ष था अयोध्या का, 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारियों के, आजादी के दीवानों के, कई कारणों के बाद देश आजाद हुआ, और देश की आजादी के बाद स्वाभिमान के प्रतीक हमारे आराध्य राम की थी। लेकिन कांग्रेस ने कदम कदम पर रोड़े अटकाए, सबूत पूछे, कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन सा जन्म स्थान है, और तो और जो आंदोलन करने गए उनके ऊपर जिनने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने उनकी पीठ थपथपाई, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के जोरदार अभिनंदन करो, हिंदू मुस्लिम एकता का ये उदाहरण हुआ। 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुस्लिम पक्ष के, किसी हिंदू पक्ष के कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबने मिलकर भगवान राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया। अरे और तो और जो 70 साल तक इकबाल भाई सामने विरोध में रहे, वो भी उस भूमि पूजन में सम्मिलित थे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जब भगवान राम का मंदिर बन करके गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया, मैं बधाई देना चाहूंगा मंत्रिपरिषद को, हम कल ही भगवान राम के दर्शन करके आए। मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। इधर की आवाज दोनों में से किसकी जोर से आती देखता हूं, जय जय श्री राम। एक बार और जय जय श्री राम। हम तो ये नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं, और ये राम के साथ ही शरीर छोड़ करके आनंद मनाते हैं। लेकिन भगवान राम के गर्भगृह का मामला भी दुर्भाग्य के साथ न्योता दिया गया, भैया तुमने पहले अलंगे लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला, भगवान सबका भला करे, भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश में आप भी आमंत्रित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनको बुलाया वो आए तो आए, अगर नहीं आना तो मत आओ, चुप रहो। लेकिन फिर भी इतने बड़े समाज का अपमान करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रण ठुकराया, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। आपने भगवान राम के मंदिर लोकार्पण का निमंत्रण ठुकराया है। ये लोकतंत्र है भैया, आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इस अपमान का बदला लेगी। हमारे मन में वो पीड़ा है,
दल की बात नहीं करते, लेकिन सनातन संस्कृति की बात तो हम करेंगे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से आवाज आएगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भगृह में मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह पे तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरी निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर वन देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर वन मध्य प्रदेश बने, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, जहां पर आज उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा, राहुल गांधी के उज्जैन जाने पर उन्होंने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं गए। उन्होंने बताया बकायदा कि कैसे इतने सालों का संघर्ष रहा और ये मौका आया, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी वहां पर नहीं गई। तो इसी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा। आज आपको बता दें कि ये स्वच्छता प्रेरणा समारोह था और इसके अलावा 85 से अधिक नियुक्ति पत्रों का वितरण हुआ मुख्यमंत्री के द्वारा, और उन्होंने प्रधानमंत्री ने किस तरीके से स्वच्छता में अहम योगदान दिया उसका भी आज जिक्र किया, और साथ ही ये भी बताया कि आने वाले समय में और भी रोजगार सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, सरकार की प्राथमिकताएं क्या कुछ हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर एक व्यक्ति को उतना ही महत्व देती है। गायत्री सूरमा, इन्होंने कोविड के समय सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की है पूरे भोपाल में, और अब ये ANM का पद ग्रहण करेंगी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में। बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री चित्रा सिंह, और आप फार्मासिस्ट के पद पर आपको नियुक्ति हुई है, और इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री निहारिका भोसले, रेडियोग्राफर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति। श्री दीपक चौहान को मंच पर आमंत्रित करते हैं, लैब टेक्नीशियन के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती पुष्पा अटल को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और श्रीमती पुष्पा का भी चयन ANM के पद पे हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। राजस्व विभाग में मंच पर आमंत्रित करते हैं सुश्री शन्या गौर को, आप पटवारी के पद पर चयनित हुई हैं। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। राजस्व विभाग में ही श्री हितेश डुडवे, आपको भी पटवारी पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री सुमित कुमार द्विवेदी पटवारी। राजस्व विभाग में ही श्री निकिता मौर्य हमारे साथ मंच पर, श्री सुमित कुमार द्विवेदी आपको पटवारी पद पर पद आप ग्रहण करेंगे राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में ही सुश्री निकिता मौर्य, आप भी पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें सुश्री निकिता मौर्य। इसके बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में सुश्री चित्ररेखा वाहने, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी प्रिया सिंह को, और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहना चाहिए, यह अनूठे पल है। कुमारी सोनल को अटनारे को मंच पर आमंत्रित करेंगे, और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगे किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में। पशुपालन एवं डेयरी में श्री दिव्यांश राजपूत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगे। कुमारी ममता सोलंकी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सुश्री शिवांगी सरेआम सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। सुश्री आरुषि बजाज सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अभ्यर्थियों को उनके शुभ कर कमलों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में कुमारी नूतन खरे राजस्व निरीक्षण का पद ग्रहण करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगी, और जैसा कि हमको ज्ञात है कि ये महत्वपूर्ण पल है, अब शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्र वितरण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन अभूतपूर्ण पलों के हम साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, शेष 8,500 से अधिक अभ्यर्थियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। 8,837 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण एवं सिटी ब्यूटी कंपटीशन हेतु पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे पुरस्कार वितरण करें। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार में इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 शहर रहा है, और इसी के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगी महापौर महोदय श्री पीयूष मित्र भार्गव जी और उनकी टीम से कि वे पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। जोरदार तालियां हो जाएं इंदौर के लिए, निरंतर 7वीं बार स्वच्छतम शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है इंदौर, और आज भी आज इस कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त कर रहा है इंदौर राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत। इंदौर राष्ट्रीय स्तर में देश का लगातार 7वीं बार स्वच्छतम शहर, तालियां बजती रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस महायज्ञ में, ये आहुति बहुत महत्वपूर्ण है और इंदौर को पुरस्कृत किया जा रहा है। पूरी टीम हमारे साथ मंच पर है माननीय महापौर जी के साथ। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के क्रम में भोपाल राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है, और इसी पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं महापौर श्रीमती मालती राय जी और उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। भोपाल जो कि राष्ट्रीय स्तर में स्वच्छता में 5वां स्वच्छ शहर रहा है, जोरदार तालियों से पूरी भोपाल टीम का हम स्वागत करें। आप सभी की तालियां ऊर्जा प्रदान करती हैं, तो आप सभी से आग्रह है तालियां बजती रहना चाहिए। हमारे साथ भोपाल की महापौर के साथ साथ पूरी टीम है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के अंतर्गत नौरोजाबाद स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर 1 शहर रहा है। अध्यक्ष महोदय श्री कुशल सिंह जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, साथ ही उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। नौरोजाबाद की पूरी टीम को अध्यक्ष महोदय श्री कुशल सिंह के साथ उनको मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच नौरोजाबाद की पूरी टीम का हम स्वागत करेंगे।
भोपाल की पूरी टीम पुरस्कार प्राप्त कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभकर कमलों द्वारा। और अब हमारे बीच नौरोजाबाद, जो कि स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर वन शहर है, अध्यक्ष श्री कुशल सिंह जी की पूरी टीम के साथ वे मंच पर हमारे साथ हैं और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के शुभकर कमलों द्वारा। साथ ही साथ विभागीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी भी पुरस्कार दे रहे हैं। राष्ट्रीय जोनल स्तर पुरस्कार के लिए अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं अमर कंटक, जो कि स्वच्छता में सबसे तेजी से आगे बढ़ता नंबर दो शहर रहा है, सीएमओ श्री चैन सिंह परस्ते और उनकी पूरी टीम को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। अमर कंटक की